गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। वैसे आप देख लीजिए, दोपहर के बज गए हैं 12। 12 में वैसे 5 मिनट की देरी है अभी। वैसे दीव भाई भी आता ही होगा, शायद आ ही गया है। गेट का आवाज आ रहा है, नहीं आया है, कोई और होगा। तो चलिए, आज तो 12 बज गए और आप है ना मेरी हेयर स्टाइल देख रहे होंगे और आपको यह लगता होगा ना कि मैंने बाल बनाए ही नहीं है। ऐसा नहीं है यार, मेरे बाल है ना बॉयकट है ना, जैसे भी बाल बनाओ ना यार यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। क्या करूँ मैं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वैसे है ना, मुझे छोटे बाल ही पसंद है क्योंकि वो धोने में वो सब में प्रॉब्लम ना हो ना, इसलिए। तो इसलिए देखो, मेरे बाल तो बॉयकट है लेकिन है ना वो थोड़े सर्दी की वजह से सर दर्द का प्रॉब्लम था, इसलिए भाभी ने है ना इसमें वो ऑयल वॉयल डाल के ऐसे मस्त चकाचक मुझे वो है ना चोटला वाड़ दिया है। लेकिन चोटला भी बेचारा क्या करे, उससे भी श्वास नहीं लिया जा रहा है। देख लीजिए, कहीं से भी ऐसे लटुड़े पटुड़े निकल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो ऑयल के बिना बाल होते हैं ना तो है ना सर दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मेरी बॉडी में ऐसा ही है। जब भी सर्दी होती है ना और सर दर्द होता है ना तो हेयर में ऑयलिंग करती हूँ ना तो थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाता है। वैसे मैं है ना टेबलेट नहीं लेती हूँ कभी भी, पेन किलर कभी भी नहीं लेती हूँ। और आप लोगों को भी मैं सजेशन देती हूँ कि पेन किलर और मेडिकल में से दवाई कभी भी नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखा कर ही दवाई लेनी चाहिए। तो बस ऐसा है, आज तबीयत वैसे थोड़ी अच्छी है और आज वैसे नाक में से भी मैं कम बोल रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपको जो लगता है ना वो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए भाई, 12 बज गए हैं, दीवू भी आता ही होगा और भाभी भी जिम में से आते ही होंगे। और रसोई में आज है सब्जी रोटी और संभारा, और कुछ है नहीं, छाछ है। तो आधी रसोई तो बन चुकी है और आधी ही बाकी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या बाकी है और वो जो बाकी है वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो देखिए, इसमें कच्चे टमाटर और हरी मिर्च का संभारा लगा दिया है। इसमें हमने वो गुजराती कासरी इसमें फ्राई करके रख दी है। और ये है वालोर की सब्जी, बस अभी 2 सीटी करनी है, अभी इसमें ये सब्जी भी हो जाएगी और ये रोटी का आटा भी गूंद चुका है। तो बस अभी फटाफट रोटी बना लेते हैं, उसके बाद हमारा मेन्यू तैयार। तो गाइस, 1:10 हो गए हैं और हम सब लोग खा पी के फ्री हो गए हैं। लेकिन दीवू भाई का क्या है, आज लंच में है ना फ्रूट लेकर जाना था, फ्रूट लेकर जाना था ना, तो उसने है ना वो मम्मी से वो माथाकूट करके वो लंच बॉक्स में 4 बनाना लेकर गया था। तो हम लोगों को लगता था कि 2 बनाना खाएगा और 2 वापस लेकर आएगा, लेकिन वो चारों 4 बनाना वहां पर खा कर आया है। तो अब बताओ, अब हम इतने बड़े है ना तो फिर हम 4 केले खाते है ना तो हम लोगों को भी शाम तक भूख नहीं लगती। ये तो बच्चा है फिर भी 4 बनाना खा गया है और अभी आकर उसने रोटी नहीं खाई है, अभी वो नाश्ता कर रहा है। लेकिन है ना आया है ना तब से कुछ बोल रहा है, हम उसे सुन लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। दीवू क्या खा रहे है तू? है बूंदली। और क्या बोल रहा था तू अभी? यस बूंदली खा रहा हूँ। हाँ मैं तो जाना है। हाँ। कहाँ पे? इसके घर। क्यों घर पे क्यों बुलाया आज? ऐसा है तो सिखाएंगे या मार खाने के लिए बुलाया है? सिखाने वाले है या मार खाएंगे? तू मार खाएगा या सिखाएंगे? मार खाएगा, वो अच्छी थी भी। वो कैसे सिखाएंगे तुझे? ओके, तो शाम का खाने का वहाँ पर है या घर पे? घर पे। आंटी। यस। गुड न्यूज़ है, आप तो बताओ। क्या गुड न्यूज है? डैड मेरे छुट्टी। छुट्टी का ले? क्यों? डैड ने बाबू आए बस इसलिए। क्या आए बस? गांधी बाबू? इंडिया मैया। ओके, बच्चे तो मैं रजा हूँ रखी है माँ। પિંડાનું શાક કેવું?
ગાંધી બાપુ અત્યારે નથી આવ્યા, તને કઈ ખબર પડે કે નહીં? ગાંધી બાપુ અત્યારે નથી આવ્યા ઇન્ડિયામાં. ઇન્ડિયામાં તાઈ આવે ને. ગુડ ઇવનિંગ ગાઈસ. તો શામ કે બચ ચુકે હે છે, દેખ લીજે આપ ઘડી મેં. ઓર ઇધર યે દેખીએ, થોડા સા કામ માં મડ ગયા હે ઇધર. કલ થોડી શોપિંગ કી ના, તો આજ યે દેખ લીજે વો ચોખા વોખા વો ઇધર સાફ હો રહે હે. ઓર ઉધર યે દેખીએ, ખાંડ ભી પડી હે અભી. તો દીવુ સ્કૂલ મેં, સોરી દીવુ ટ્યુશન મેં સા આ ગયા હે ઓર ગિર ગયા હે એસા લગ રહા હે. देखिए लेकिन उसको फिर भी शांति नहीं होगी. देख लीजिए कहीं पे जा रहा है, लोखंडी पुरुष है वो, उसको कुछ नहीं होता. और ये मम्मी जी आज गए थे मंदिर पे, गायत्री माता के मंदिर पे. तो मम्मी जी आज क्या था मंदिर में? आज मुंबई की कलेश आया था ना. हाँ, मुंबई की कलेश आया था, तेना दर्शन करवा गया था. ઓકે, તો બહુ ભીડ હોગી ને આજ? બહુ ભીડ હતી હો. હમ, ઓર હમ લોગ તો ઘર પે થે હી જૈસે થે. ઓર ભાભી દેખી અભી પઢને બેઠે હે. હું વાસ્તે નથી તન્ને અમારો ડાયટ ચાર્ટ કાઢું છું. ઓહ, તો ફિર ક્યા ક્યા બંધ કરના હે આપકો? સ્લિમ ફિટ જમવા હું જાતી ને. હા, આપ વો ફોલો કર રહે હો ભી? ઓકે, તો આજ સે એક જણ કા ખાના વો કમ પડે, કમ બનાના હે ને? આજે ખીર બનાવવાની છે, પોષી પૂનમ છે, પણ હું નથી બનાવવાની. આજે ખાવાની નથી એટલે. ઓર ઇધર યે દેખીએ પપ્પા કે એન્ટ્રી હો રહી હે. વો ક્યાં લાયે હો પપ્પા? નમક લાયે હે ઉનકા. ઓકે ઓકે, વો ક્યા બોલતે હો? ગાંગડા વાલા આતે હો ઇસમે. દેખે ડાયટ કા નામ સુન કે સભી કો એક બાર સ્માઈલ તો આ હી જાતી હે. ઓર યે દેખે દીવુજી કે એન્ટ્રી હો ગઈ હે. દીવુ, દિવ્યા મેમ કે ધડ પે જાના થા ને? હે, પછી ક્યારે? હે, યે અભી બજે હે 9. યહાં પર દેખ્યો, યહાં પર દેખ્યો બઢિયા માત્રા મેં તૈયાર હુએ જા રહે હે. અબ હમે જાન મેં નહીં જાના હે. કિતના તૈયાર હોના હે આપકો? થોડો પાવડર તો લગાવા દે ભાઈ. ગોરા છો ભાઈ, કાઈ નથી લગાવો. ગોરી તો તું. હા, ઓર ઇધર યે દેખીએ મમ્મી જી ભી રેડી હોકર બેઠ ગયે હે. વૈસે જેન્ટ્સ લોગ સબ ચલે ગયે હે. હમ હે ના આજ હમારે પાડોશી કે ઘર પે જા રહે હે. વૈસે હમારે યહાં પર નજદીક હી રહેતે ઇસલિયે હમ લોગ હે ના ચલ કે જાને વાલે હે. બોલા થા ને ભાભી ને આપકો કે વોક કરના હી ચાહીએ, તો આજ વો વોક કરને જાને વાલે હે. પરસો વોક કિયા થા ના ઇસલિયે આજ જા રહે. કલ તો પતા નહીં, ઉસકો મજા નહીં આ રહા થા, તો કલ તો નહીં ગયે થે. લેકિન આજ હમ સબ લોગ વોક કરકે વહાં પર જા રહે હે. ઓર ઉતાવળ દેખીએ આપ, દેખીએ. જાઓ બબ્બા, આવજો. ચલિયે ભાઈ, તો હમ લોગ જાતે હે વહાં પર, મોજ મસ્તી કરતે એન્જોય કરતે હે. ચલ કે જાતે ઇસલિયે મજા હી આને વાલા હે. જેન્ટ્સ લોગ ચલને લગે હે ઓર હમ લોગ અભી જાતે હે. Just a number in a small town. You know that hip popularity list. Well, I was like, wait. Okay, to chaliye hum jahan par baithne aaye hain na hamare padoshi ke ghar pe, to uska ye bachcha hai na bahut intelligent hai, to hum hai na thoda uska kya comedy lene wale hai. Tera naam kya hai bata de mujhe? Manat. Manat, okay, to kya sunane wala hai? Chale bata de zara. Hamara gujarati o khavana bahut shaukeen, navra baitha baga sa khaye. ફરવા જાય તો અવાક ખાય, ઊંઘ આવે તો ઝૂકા ખાય, માંદા પડે તો ઉધરસ ને ચીકુ ખાય, નાના છોકરા છે ઈચકા ખાય, મોટા છે માન ખાય, છોકરી છે ભાવ ખાય, છોકરા માર ખાય, ઈમાનદાર છે ધક્કા ખાય, બેમાન છે પૈસા ખાય, વાંડા છે માથું ખાય, પૈણેલા છે ખેટ ખાય, બાકી હોય તમારા તમારા જે હોય એ માગી માગી માવ ખાય. માવ બળદ લાવ લાવ. તો તું માવા ખાતા હે 135 કા? તો ફિર ક્યું માંગ રહા હે? નહીં પતા. ચાલ બહુ મસ્ત બોલા, થેન્ક યુ.
વેલકમ એમ કેવા ખરાગરે અવસ્થે લક્ષ્મી કર્મ લેદે સરસ્વતી કર્મ દે તુ ગોવિંદા કરભાતે કરદાસન સમુદ્ર અવસ્થે દેવી પરમસ્ત સ્કર મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નવસ્તુભે પાદસ પક્ષમક્ષમ વસુદેવ વસુદમ દેવ પંચતાણુ રમતનમ દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણ વંદે જગદ ગુરુ ગુરુ બ્રહ્મ ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પર બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ આદિ દેવ નમઃ શુભે પ્રસિદ્ધ દેવ મમ ભાસ્કર દિવાકર નમ શુભે પ્રભાકર નમસ્તુતે વક્રતુંડ મહાકાર્ય સૂર્ય કોટિ સર્વ પ્રભા નિર્વિઘ્ન ગુરુ મે દેવ સર્વ કાર્ય સુ સર્વદા ઓમ ભૂર્ભુવ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ॐ तम्बकं यजामहे यं सुगन्धि पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनावे मृत्युर्मोक्ष्यमरुतत् यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिरभवति भारत अभ्युत्तमधर्मस्य तदात्मानं सुजामिह पवित्रायण साधुखाय विनाशाय कदुष्कृता धर्मसंस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे. मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, सफलता निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, मेरा घर स्वर्ग. वाओ वेरी गुड. तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? हा? कौन सी कक्षा में, कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? वन. कौन से स्कूल में? तो स्कूल में तुझे सब सिखाते हैं? नहीं. तो मेरी मानस. वाओ. तो आपकी मम्मी का नाम क्या है? पायल बेन. पायल बेन, तो मुझे भी श्लोक सिखाओ ना, मुझे नहीं आता है. आपको अभी कहा था का, क्या कहा था क्या है? ये, क्या एक बार में थोड़ी ना आ जाएगा? एक बार तो कल से आ जाओ तेरे पास ट्यूशन. चलेगा? कौन से टाइम पे आओ? कल ही. कल ही, लेकिन कौन से टाइम पे आओ? शाम को? दूसरे कोई दिन, कल 11 बजे. ओके, चलो फाइन, डील डन. ओके ओके, गुड नाइट. गुड नाइट.